कुछ सप्ताह पूर्व जब नवरात्रि में हर कोई माँ की उपासना कर रहा था, माँ से रक्षा का आशीर्वाद ले रहा था, तब इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र कहे जाने वाले पीथमपुर में एक माँ अपनी मासूम बच्ची को एक हवसी दरिंदे का शिकार होने के लिए मजबूर कर रही थी। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारे पीथमपुर के संवाददाता राजेश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट कलयुगी माँ। कपूत सुने हैं पर माता कुमाता नहीं सुनी, यह बात अब कलयुग में झूठी साबित हो रही है। आज कलयुग का असर साफ तौर पर दिखने लगा है। चोरी, डकैती, मार काट, लूट और बलात्कार जैसी घटनाएं हमारे आम जीवन में अक्सर देखने को मिल जाती है, लेकिन क्या कोई माँ भला अपनी ही 13 साल की मासूम बच्ची को किसी दरिंदे के हाथों में चंद समय की हवस मिटाने के लिए सौंप सकती है? लेकिन हाँ, ऐसा एक माँ ने किया है और ये हुआ है इंदौर से लगे औद्योगिक शहर पीथमपुर में, जहाँ एक हिंदू माँ अपनी ही बेटी को वर्ग विशेष के शख्स को उजाड़ने के लिए सौंप रही थी अपनी बेटी। इंदौर के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर सेक्टर नंबर 3 में एक ऐसा शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक कलयुगी माँ ने अपनी ही 13 वर्षीय मासूम बच्ची को एक 55 साल के अधेड़ प्रेमी के हवाले कर दिया, उसे बलात्कार में सहयोग किया। बलात्कार की घटना यूं तो पूर्व में ही हो चुकी थी। घटना उजागर उस वक्त हुई जब दोबारा वही बलात्कारी आरोपी महमूद शाह बच्ची की असमत लूटने के लिए उस बच्ची के घर से उसे पहुंचा रही थी। इस बीच नाबालिग भयभीत बच्ची जैसे तैसे अपने घर से भागकर पुलिस थाने पहुंची और अपनी आप बीती उसने वहां सुनाई। आरोपी वर्ग विशेष का होने से मामला गर्मा गया और इसी दौरान पुलिस ने सक्रियता से कार्यवाही भी शुरू की। इंदौर के पीथमपुर की इस घटना के बाद हिंदू जागरण मंच और तमाम हिंदू संगठनों के आने से मामला गर्मा गया। पुलिस ने तुरंत उस वहशी दरिंदे महमूद को हिरासत में ले लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या उस महमूद की प्रेमिका और उस बच्ची की माँ को सजा नहीं मिलनी चाहिए, जिसने पूरे संसार की माताओं को शर्मसार किया है। पीथमपुर के सेक्टर 3 की नई बस्ती मंडावदा की रहने वाली एक 13 वर्षीय बच्ची जो कक्षा 7वीं की छात्रा है, बीते सप्ताह महमूद पिता दिलावर शाह ने मासूम के साथ बलात्कार किया, जिसमें सहयोगी बनी उस मासूम बच्ची की कलयुगी माँ, जिसका नाम राधा बाई है। दूसरी बार एक दिन फिर महमूद अपने गंदे मंसूबों के साथ राधा के घर आया और बच्ची के साथ दोबारा दुष्कर्म का प्रयास किया, लेकिन इस बार मासूम बच्ची ने हिम्मत करके कलयुगी माँ और उसके प्रेमी महमूद के इरादे भांप लिए और मौका पाकर बगदून पुलिस थाने पहुंच गई, जहां पुलिस के सामने वह अपनी आप बीती सुनाकर रोने लगी। We'll be right back.
संगठनों को जब इस मामले की भनक लगी तो वह तुरंत थाने पहुंचे और दुष्कर्म वर्ग विशेष को सख्त सजा देने की मांग करने लगे। वहीं वहशी बलात्कारी की प्रेमिका और मासूम बच्ची की मां राधाबाई पर भी कड़ी कार्यवाही की मांग की जा रही है। आज सुबह से क्या हुआ, एक बार लड़की पे व्यक्ति रेप करता मुझे जानकारी मिली और वैसे थाने गया। मजदूर एसआई चौहान बच्ची के उन्होंने एफआईआर दर्ज करी है एक्ट में और आगे प्रशासन से ऐसे जो नर्दम है इनके खिलाफ कड़ी, ताकि समाज में अधिक समाज में एक समानता बनी रहे। घटना के बाद पुलिस ने तुरंत आरोपी महमूद को गिरफ्तार कर लिया है और उसे मेडिकल टेस्ट के लिए पीथमपुर के शासकीय अस्पताल भेज दिया गया। वहीं उस समय इंडोरामा से बगदून थाने तक बलात्कारी जो कि विशेष वर्ग से है, उस आरोपी के विरोध में लोगों द्वारा रैली निकाली गई। आरोपी के विरुद्ध फांसी की सजा की मांग भी की गई। बताया जा रहा है कि एक मैजिक चालक की मदद से मासूम बच्ची सही समय पर पुलिस की शरण में पहुंच सकी। इस संपूर्ण घटनाक्रम में घर से अपने आप को बचाकर भागी नाबालिग बच्ची को थाने तक पहुंचाने वाला कोई नहीं मिला था। जानकारी के अनुसार इसी बीच सागोर कुटी के रहने वाले एक मैजिक चालक नारायण बर्फा उधर से गुजर रहा था। उसने बच्ची को सहयोग कर अपनी मैजिक से थाने तक पहुंचाया। इस बात से नाराज आरोपी के समर्थन में उतरे लोगों ने मैजिक चालक नारायण बर्फा से मारपीट भी की, लेकिन फिर भी पुलिस ने बर्फा की शिकायत पर आरोपी महमूद पर विभिन्न तरह की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। स्थानीय बगदून की नई बस्ती में रहने वाली एक नाबालिग पीड़िता ने हमको थाने पर कंप्लेंट की। उसके साथ उसके मुंह वाले चाचा ने पिछले सप्ताह दुष्कर्म की घटना की है तथा इस कार्य में उसकी मां ने भी उसे सहयोग किया। बच्ची की रिपोर्ट पर हमने अपराध पंजीकृत कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और अनुसंधान जारी। आरोपी का नाम क्या है सर? आरोपी महमूद है। सर कितने वो सालों से इस तरीके से कुकृत्य को अंजाम दे रहा था? सर नहीं, इसमें सिर्फ पिछले हफ्ते एक बार ये घटना की है। सर जानकारी से मिली कि पिछले 13-14 महीने से इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहा था सर? अभी इस तरह का कोई तथ्य जानकारी। माँ का नाम इसमें सामने आया था सर, क्या एक माँ अपनी बेटी के साथ में इस तरीके से कुछ कर सकती है? अभी पीड़िता ने यदि अपनी माँ के लिए कंप्लेंट की है तो एक गंभीर विषय है, इस पर अनुसंधान चल रहा है। जब एक बच्चा अपनी माँ की गोद में बैठता है तो उसे लगता है कि पूरी दुनिया में माँ की गोद और माँ की आंचल से सुरक्षित कोई स्थान नहीं है। हमारे देश में माँ को भगवान से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है, लेकिन आज के युग की राधा बाई जैसी माँ को आप क्या कहेंगे, जो अपने प्रेमी को खुश करने के लिए अपनी बेटी की अस्मत की आहुति दे चुकी है। एक ऐसी माँ कलयुगी माँ ही कहलाएगी ना, लेकिन क्या उस कलयुगी माँ को क्या कहा जा सकता है? क्या आपको नहीं लगता कि उस आरोपी से बड़ी गुनहगार वो माँ है और उसे सजा जरूर मिलनी चाहिए? खबर 100 की तरफ से हमने सिर्फ एक ही सवाल उठाया है कि क्या इस पूरे मामले में सिर्फ आरोपी ही जिम्मेदार है या उस कलयुगी माँ को भी बराबर का दोषी मानकर फांसी की सजा दी जानी चाहिए।